अपना अपना आईडी निकालते, चलिए वीडियो स्टार्ट हो गया है, नहीं तो जलील किया जाएगा। अपना फोटो से सही आता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज है ईद का दिन और आज ईद के दिन हम बिल्कुल सुबह सवेरे उठ गए हैं और आफ्टर फजर की नमाज हम यहाँ पे खड़े हैं। थोड़ी थोड़ी सी चिड़िया की चहचहाट सी आवाज है और वहाँ पे हमारे बाबा जो है, बाबा को दिखाओ, बाबा को, हमारे बाबा जो है वहाँ पे देखिए आराम से कर रहे हैं। हाय कर दिए बाबा, हाय। तो आपने हमारे बाबा को देख लिया, वो देखते हैं ईद के दिन में क्या क्या कुछ स्पेशल करते हैं, दोस्त वगैरह को बुलाएंगे और बहुत सारे काम होंगे और बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होगा, मुसाफा करना होगा और गले मिलना होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ईद का दिन है और ईद के दिन तो गले मिलना कह सकते हैं कंपलसरी है, क्योंकि इससे भाईचारा का माहौल बनता है। 5:10 हो गया लगभग अभी टाइम, नहाने का टाइम हो गया है। हम लेके यहाँ जो नमाज है ईद उल फितर की, वो 7 बजे अदा की जाएगी। ऊपर आसमान का नज़ारा देख सकते हैं, मौसम तो फिलहाल साफ़ हो चुका है बट सुबह में थोड़ी सी बारिश हुई है, बट कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सही है मौसम। नहाते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो हम अब रेडी हो गए नहा करके और बिल्कुल हमारे घर में सब आदमी रेडी हो गए नमाज के लिए। अब धीरे धीरे सब अपने ईदगाह के करीब जा रहे हैं, ईदगाह में तो नहीं बट हमारे मस्जिद में ही नमाज होगी ईद की। तो सब तैयार हो गए, थोड़ा सा अपना अपना मुखड़ा दिखा दीजिए। एक ही हजरत को देखिए, ये तो अपने फॉर्म में बंडी के साथ में। क्या कहना चाहेंगे ईद के नमाज से पहले? कुछ नहीं कहना चाहेंगे। एक ही हजरत है व्हाइट पे ब्लैक और ये हजरत है मुत्तकी एंड परहेज़गार। तो अब चलते हैं ईद की नमाज। चलिए ना, अब कब्रिस्तान जा रही है और कब्र पे थोड़े से दुआ मांगेंगे हम लोग, उसके बाद फिर अपने घर को लौटेंगे, उसके बाद सवाई। अरे कहना क्या चाहते हो? सवैया चलेगी है ना। तो हम लोग के सारे आदमी आप देख सकते हैं, पीछे भी 2-3 बंदे हैं, इमाम साहब भी है वहाँ, हाफिज देख सकते हैं और इंजीनियर साहब देख सकते हैं, है ना, 3 आदमी। तो अभी कुछ नहीं बोलेंगे ये लोग, अभी जिक्र करते चल रहे हैं, मैं ही कुछ बोल रहा हूँ। सबके तरफ से बोल रहे हैं ईद मुबारक। क्या बोल रहे हैं इमाम साहब? बोल दिए, थोड़ा शर्मीले टाइप के हमारे इमाम साहब। दोस्तों, कब्र पर जाकर हमने अपने अहलो आयाल के लिए दुआ मांगी जो इस दुनिया से गुजर गए हैं, कि उनको जन्नत में जाकर के आला से आला मकाम मिले और अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए। ये अब हम कब रोज आ रहे हैं, पानी चलिए खूब। बात तो सही है। अरे कैमरा तो बोल रहे हाँ। गजब बेइज्जती है। तो आज हम लोग अपने नमाज तो पढ़ लिए हैं, क्योंकि 7 बजे हम लोग के यहाँ नमाज था और जो फील्ड है, फील्ड में भी बहुत सारे ईद की नमाज होती है, क्योंकि वहाँ से और सब जो गांव के लोग हैं वहाँ पे आते हैं ईद की नमाज। तो वहाँ फिलहाल अभी ईद की नमाज स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं तो ऑलरेडी ईद की नमाज पढ़ चुका हूँ। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे ईद की नमाज हो रही है, क्योंकि जब मेरे यहाँ हो रहा था तो वहाँ पे मस्जिद में अलाउ बिल्कुल भी नहीं होता है कैमरा का, वहाँ पे भाई लोग सब तकरीर वगैरह किए तो वहाँ पे नहीं ले सकता हूँ फुटेज, बिकॉज वहाँ पे मस्जिद में बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता है फ़ोन का कैमरा का। तो चलिए आपको वहाँ पे दिखाता हूँ के कैसे लोग नमाज पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे ईद की नमाज हो रही है, वहाँ पे कुछ पुलिस वगैरह भी हैं जो कि सिक्योरिटी के रीज़न से रखे गए हैं। और ये रहा हमारा मेन रोड और ये हाई स्कूल है, जैसा कि आप जानते होंगे हमारे एरिया में अगर रहते होंगे तो भली बात ही आपको पता ही होगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने घर की ओर। यहाँ ये छोटे भाई हैं, क्या भाई ईद का दिन कैसा होता है? फेस्टिवल ऑफ हैप्पी, फेस्टिवल ऑफ हैप्पी। इसने एक लेन में बताया फेस्टिवल ऑफ हैप्पी को ईद कहते हैं, राइट। और यहाँ सब देख सकते हैं, इन सब से इंटरव्यू मैं लूँगा अच्छे से, रोड पे नहीं, अच्छे से बैठ के। हमारे गोद में सैयद मोहम्मद जकवान बिन अनवर, जो कि हमारे पास अभी फिलहाल है और ये अब छोटा बच्चा है, कुछ नहीं बोल रहा है अभी फिलहाल। देखिए ये नाटकबाज को देखिए, यहाँ यहाँ हेलो आकिब इब्न सगीरुद्दीन फ्रॉम कटिहार बिहार। तो कैमरामैन देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि कैसे कराना है। एक ये कैमरामैन को देखिए, अपना फोटो तो सही आता नहीं है, ठीक है हमरो खींची। हम कहाँ गए तब? हम कहाँ गए? अपना अपना आईडी निकालते, चलिए वीडियो स्टार्ट हो गया है, नहीं तो जलील किया जाएगा यूट्यूब पे। खाते खाते हालत खराब हो गया, चौथा जगह है इनका, लेकिन छोड़ रहे रहा, मेरे भी आ गया है सवे और दूध आए। देखिए एकदम बोल रहे हैं हमको कम चाहिए, कम चाहिए, खाते बहुत ज्यादा कम दीजिए, बढ़िया जहाँ जाते हैं बोलते हैं वो कम चाहिए, कम चाहिए। अपनी अपना गला मिल रही है।
सलाम अलैकुम अम्मा, अम्मा सलाम अलैकुम। ये रहा चाट और ये है गोलगप्पा। दोस्तों आइसगुल्ला चुस्की आप देखिए लगा हुआ है, आ रहे हैं बबुल भैया के यहाँ से, उसके बाद आइसगुल्ला चुस्की खाएंगे। सलामकुम बबुल भैया, कैसे हैं? ईद मुबारक हो। सेम टू यू। सलामकुम बबुल भैया, हमारे डायरेक्टर साहब आ रहे हैं, इनसे हाथ मिलाना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, गले भी मिलेंगे। क्या बात है, हम ही आ गए। वालेकुम सलाम। सर कुछ बोलना चाह रहे हैं अभी, तो बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं सर। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक सबको, के बाद गाना गाएंगे। और बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग ईद खुशी खुशी मना लिए, लेकिन कुछ कमी खल रही है जो अच्छा नहीं लग रहा है। चले जिनकी यादें आ रही हैं उनके लिए मैं आप लोगों के बीच कुछ डेडिकेट कर रहा हूँ, सुनिएगा। कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुझको न भूल पाएंगे, तुझको न भूल पाएंगे। वाह वाह, क्या कहना है, क्या बात है। साहब ने गम ज़्यादा कर दिया हम लोग को। गम ज़्यादा क्या भाई साहब, क्या बोलना चाहेंगे आप? चल नहीं, कुछ बोलना चाहिए आपको। आप इस मौजू पे क्या बोलना चाहेंगे? दो शब्द अपने रखिए, बोलिए। शब्द तो कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, लफ्ज बता दें कुछ। कुछ ऐसे लम्हे होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो स्पीचलेस कर देता है, जिसके कोई जवाब नहीं है। कुछ चीज ऐसी यादें होती है जो शब्दों में बयान नहीं कर सकते, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू। शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन आप इनके जज्बात तो समझ रहे हैं ना। जज्बात सिर्फ समझिए, फीलिंग, फीलिंग, फीलिंग समझिए ना। ये क्या बोलना चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। बोल बोल। शब्द बोलना चाह रहे हैं, कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। वक्त नूर को बेनूर कर देता है, वक्त नूर को बेनूर कर देता है, थोड़े से जख्म को नासूर कर देता है। वाह वाह। कौन चाहता है अपनों से बिछड़ना, कौन चाहता है अपनों से बिछड़ना, पर हालात सबको मजबूर कर देता है। वाह 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 वाह, अरे क्या कहना है, बहुत खूब बहुत खूब। हालात सबको मजबूर कर देता है। थैंक यू। जी हाँ, हालात सबको मजबूर कर देता है, तो ये वर्ड बिल्कुल बहुत ही दिल के करीब था कि हालात सबको मजबूर कर देता है, ये बात तो सही है। तो हमने आपको सबको मिलाया, हमारे कज़न थे जिन्हें आप समाज फरमा रहे थे, आई होप आप इन्हें पहचानते होंगे। लास्ट में हम लोगों ने आइसक्रीम खाया और बहुत सारे मज़े किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारी फैमिली की तरफ से और आपको और आपके सारे परिवार को ईद मुबारक। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए।